आपका भाई जैनेंद्र चौधरी और आज हम आपको दिखाते हैं कि दुबई में दुकानें कैसी होती हैं। तो पहले बनाएंगे खाना, उसके बाद फिर आपको दुकान दिखाते हैं। मैं नाम भूल गया, क्या नाम है? चिरंजीवी भाई हमारे नेपाल से हैं, बहुत गुड आदमी हमारे हैं और इस कमरे के बॉस हैं, ये हमारे सबके बॉस यही हैं। तो भाइयों आगे हैं ड्यूटी से और वही अपना पुराना काम, पहले सब्जी बनाएंगे, खाना वाना बनाएंगे, उसके बाद कुछ नया करते हैं। आज छुट्टी है, देखो क्या अभी कपड़ा धोने का कोशिश चल रहा है, पहले खाना बनाएंगे, तब तक ये भीग जाएंगे और उसके बाद कपड़े धुलेंगे, ये काम भी खुद ही करना पड़ता है। और आज बन रही है सोयाबीन की बड़ी और आलू, और ये है बड़ा किचन, यहाँ से स्टार्ट होता है। और ये देखो इस तरह यहाँ पे सिलेंडर नहीं होती, ये गैस की पाइपलाइन है, ऊपर जैसे पूरे फिटिंग है से और सारे में ऐसी ही है पूरी फिटिंग। और कितना बड़ा किचन है, देखो किचन क्या महा किचन है सब, पूरा बड़ा वो उधर तक है, पूरा कोने तक, इधर तक है पूरा, पूरा मैसिव किचन है भाई। और इधर बन रहा है अपना खाना, ये बन रहा है इधर, बन रहा है। तो उसने बिल्ली देख लेते हैं, इसके बच्चे देखते हैं कहाँ पे हैं, क्योंकि उसे रोटी देनी है। एक टाइगर ये लेता है, एक टाइगर वो लेता है, रोटी वहाँ पर नहीं, रोटी कोई नहीं खा रहा है। देखो खाने लगे सारे बच्चे, मॉर्निंग का टाइम है, बुरी हालत है भाई, रेत ही रेत। और दिखाते हैं यहाँ की दुकान कैसी होती है, हैं? ए ये दुबई है भाई। अब इसके अंदर है दुकान, अभी दिखाते हैं यहाँ की दुकानें कैसी होती है। इसका मेन फ्रंट ये होती है भाई, कुछ ऐसी दुकान, ये ग्रोसरी है और ये सिस्टम है रिचार्ज करने के लिए, अगर कोई भी फ़ोन रिचार्ज करना हो, जैसे कि हम यहाँ से अपना इंडिया का नंबर भी रिचार्ज कर सकते हैं, इंडिया, और जिससे मुझे अपना एयरटेल का रिचार्ज करना है, और उसमें फिर प्रीपेड है या फिर टीवी चैनल कोई भी रिचार्ज करना है, तो उस पर टिक करो, अपना नंबर डालो और ऑप्शन आएंगे इसमें, तो रिचार्ज कर सकते हैं। गो बैक मेन मेन्यू, ठंडा ही ठंडा, इतना मर्जी ठंडा पियो। कैसे होना ठीक हो, ये टोटल मसाले हैं, मसाले ये पूरी दाल स्पेशल लेकर जाएगा हैं, और ये जितना भी है सब सब्जी है, इधर जितना भी है सारा वेजिटेबल साइड, पूरा पूरा। ये है हमारे अन्ना, ये हमारे बहुत बेस्ट अन्ना है, अन्ना मतलब भाई है ना। ये है टमाटर, देखो इधर सब कुछ ही मिलता है लगभग लगभग, इतनी बड़ी दुकान होती है कि इसके अंदर जरूरत की सारा सामान मिल जाता है, थोड़े से कपड़े भी होते हैं इसके अंदर, ये कपड़े हैं सारे। और ये गुड़ होता है भाई, देखो ये इंडियन गुड़ है, आता इंडिया से बन के है, थोड़ा सा हल्का सा अलग होता है स्वाद इसका, अच्छा है वहाँ, बाकी में ठीक है आज। टोटल दालें हैं इधर, देखो कितने अच्छे तरीके से शीशे के अंदर, और ये इधर फिर राइस है पूरा टोटल, इस तरह कुछ ऐसा ही यहाँ की दुकानें होती हैं, ज़रूरत की सारी चीज़ लगभग लगभग सब यहीं मिल जाएंगी, चप्पलें भी होती हैं, ये है सब कुछ, इधर अंडरवेयर है मतलब पूरे कपड़े, और ये पूरी दाल का सिस्टम है, पूरी पैकिंग वाली दाल भी है, खुली भी मिलती है और वैसी भी है। तो काफ़ी बड़ी दुकान होती है, देखो मैं एक नई चीज़ दिखाता हूँ, अपना पार्ले जी, इधर भी फेमस है पार्ले जी है, देखो जितना भी है टोटल पार्ले जी रखा है। ये है हल्दीराम, नवरत्न हल्दीराम की, इधर वैसे इंडियन ब्रांड काफ़ी मिलते हैं वैसे इधर, ये हल्दीराम की है, ये आलू भुजिया है, और देखिए देखिए ये क्या लिख रहा है, सरसों का साग, ये बिल्कुल रेडीमेड होता है बना, बस इसमें तड़का लगाना होता है अभी जाके, और ये पंजाब, ये मेड इन पंजाब है ये,
तो भाई अपने सफ़ेद रसगुल्ले और काले रसगुल्ले और बूंदी के लड्डू। सारे मसाले रखे हैं और ये राइस चावल के कट्टे, ये पूरा ड्राई फ्रूट, इधर पूरा साइड ड्राई फ्रूट का है ये, और ये पूरा नमकीन, जितनी भी नमकीन होती हैं, और पूरा चॉकलेट का सेक्शन। ये मतलब अलग ही होता है, ड्राई फ्रूट और चॉकलेट दोनों एक साथ हैं। और इधर पूरी और ये स्टैम, और मैं आया था रोटी लेने के लिए, रोटी और पानी, और रात के करीबन 10 बज रहे हैं अब, तो बस चलो खाते हैं और सोएंगे फिर। बस आज की वीडियो में इतना ही था, ओके, गुड नाइट।